वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो सबसे पहले नववर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं सभी को। आज से हमारा हिंदू नववर्ष शुरू हो रहा है और हैप्पी गुड़ी पड़वा। तो आज मेरा व्लॉग बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है। अभी मैंने ब्रेकफास्ट में अप्पम बनाए हैं, उसका भी मैं आपको बताऊँगी अप्पम बनाते हुए। और लंच में मैं आज हमारे यहाँ पूरन पूरी बनती है, पूरन पूरी के साथ मैं बनाने जा रही हूँ कढ़ी पुलाव और आलू के पराठे। तो आप मेरे साथ बने रहिए मेरे व्लॉग पे। और हमारे यहाँ नववर्ष पे वो बंदर का आम के जो पत्तों की बंदर का बना के दरवाजे पे मेन गेट पे लगाते हैं तो वो बहुत शुभ माना जाता है। तो मैं वो भी आपको बताऊँगी कि अपने आम के पत्तों का ये जो बंदरगाह है कैसे बनता है। तो बने रहिए आप मेरे व्लॉग पे। ये मैंने एक कटोरी चने की दाल ली पूरन पूरी बनाने के लिए, पूरन बनाने के लिए। अब ये मैंने दो चार सीटी लेके, मतलब दो घंटे पहले गलाया था, उसके बाद चार सीटी लेके इसको सिझा लिए दाल को अच्छे से। और अब इसको मैं मैश कर रही हूँ इस तरीके से। तो मैं पूरन रात को ही बना के रख रही हूँ क्योंकि सुबह बहुत जल्दी रहती है काम में। और ये मैं आधा कप करीब घी ले रही हूँ पूरन सेकने के लिए। और घी में मैंने ये पूरन मिला लिया है। पूरन बनाने में भी घी अपने को थोड़ा ज़्यादा ही लगता है। और देखिए अपने को जैसे हलवा सेकते हैं ना, उस तरीके से ये चने का मतलब चने का जो मेश किया हुआ है अपने को ये ऐसे ही आटा सेकना है अच्छे से इसको, चने की दाल का। देखिए कितने अच्छे से सिकाई हो रही है। और अपने को एक जैसा हाथ चलाना है वरना नीचे से ये पूरन चिपक जाएगा। तो अपने को हो सके तो कंटिन्यू ऐसे ही खिलाते रहना इसको पूरन को, और इसकी सिकाई अच्छे से करनी है हमको। और देखिए सीखते सीखते देखो पूरा पानी भी सोख लिया और इसका कलर भी चेंज हो गया है इस तरीके से। और अच्छे से सिकाई हो गई है हमारी और अब हम सेक रहे हैं। और अब इसमें हमको ये सिकाई अच्छी हो गई, उसके बाद हमको एक कटोरी शक्कर ऐड करनी है। और वापस से हमको इसको जब तक ये शक्कर का पानी पूरा नहीं सोख लेता उतना हमको इसको पूरन को सेकना है। मतलब कम से कम मैंने पूरन को आधा घंटा या पौन घंटा करीब सेका है अच्छे, मतलब मीडियम से कम आँच पे। ये अच्छे से इसको हिलाते रहना है हमको। और हमारा पूरन देखिए रेडी हो गया है। इसको शक्कर डालने के बाद भी हमको अच्छे से सेकना है, और जब तक ये मतलब पूरन पूरा अपना कढ़ाई ना छोड़ दे तब तक इसकी सिकाई करते रहना है। ये अब देखो कढ़ाई छोड़ दी है पूरन ने, शक्कर भी अच्छे से इसमें मिल गई है। अब हम इसमें इलायची डालते हैं, पांच छह इलायची मैंने पीस के डाली है। और अब इसमें हम इसको अच्छे से मिला लेते हैं। अब अच्छे से मिल गया है, इलायची को भी हमने अच्छे से मिला लिया है। और ये मैंने डिब्बे में निकाल दिया है, ठंडा हो जाएगा उसके बाद मैं फ्रिज में रख दूंगी। मैंने पूरन एक दिन पहले ही मतलब रात को ही बना लिया ताकि सुबह जल्दी में, क्योंकि इसको ठंडा होने में टाइम लगता है। ये मैंने सुबह के नाश्ते की तैयारी कर ली है। और सुबह मैंने दूसरे दिन सुबह नाश्ते में अप्पम बनाए हैं। तो ब्रेकफास्ट भी है, आज नवरात्रि का पहला दिन है तो नाश्ता तो ज़रूरी है। तो आज अप्पम बनाए हैं, उसके पूरन तो मैंने रात को ही रेडी कर लिया था। और उसके बाद फिर मैं बताऊंगी बाकी के लंच की तैयारी करूंगी कि मैं हम चैत्र नवरात्रि में क्या क्या बनाते हैं और किस तरीके से। तो मेरे अप्पम का नाश्ता भी हो गया है। अब मैं सब तैयारी करके अब मैं ये आम के पत्ते लाई हूँ तोड़ के। तो मैं आम के पत्ते का ये तोरण बनाऊंगी घर के बाहर लगाने के लिए। तो मैं एक एक पत्ता साफ करके और इसको मतलब बीच में से वो करके उसका तैयार कर रही हूँ पत्तों को अच्छी तरीके से, ताकि वो लच्छे में लग जाए। उसके लिए मैंने लच्छा लिया है, देखिए इस तरीके से किए हैं पत्तों को। और अब मैं एक एक मतलब इसको भी टाइम लगता है एक एक, क्योंकि वो फिर बार बार टूट रहा था तो उसको बिल्कुल अच्छे से ध्यान से करना रहता है, वरना पत्ते बार बार बिखर बिखर के जाते हैं और वो तोरण अच्छे से नहीं बनता है। तो ये अब मैं लच्छे में लगा रही हूँ एक एक पत्ता, इस तरीके से लगाना है हमको। और ये नया साल है तो नए साल के दिन तो लगाते ही, वो शुभ माना जाता है ये आम के पत्तों का तोरण।
कौन कौन लगाता है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि आम के पत्तों का तोरण कौन कौन अपने घर के बाहर लगाता है। ये देखो मेरा तोरण रेडी हो गया है, तो मैं इसको मेन गेट पे लगा रही हूँ इस तरीके से। और ये दो चार पत्ते ऐसे ही बच गए थे, तो मैं वहाँ उसका बीच में फ्लावर बना रही हूँ। इस तरीके से देखिए कितना सुंदर लग रहा है। ये मैं आलू का मसाले के लिए आलू मैश कर रही हूँ। मैंने छोटे छोटे 8 आलू लिए हैं, तो उनको मैं पहले अच्छे से मैश कर लेती हूँ आलू के मसाले के लिए अच्छे से, उसके बाद में मसाला बनाते हैं। ओके, फोन भी आ रहा है, इधर शॉट ले लो। अब हम तेल गरम हो गया है, मैंने 2 टेबल स्पून ऑयल रखा है और उसके बाद मैं राई डाल रही हूँ उसमें, 1/2 चम्मच राई और 1/2 चम्मच जीरा और 1/2 चम्मच हींग। मैं थोड़ा हींग ज्यादा पसंद करती हूँ, उसका फ्लेवर अच्छा आता है। और ये अपनी सौंफ अच्छी लगती है आलू के मसाले में। और उसके बाद ये हमारे मेश किए हुए आलू इसमें हम डाल देते हैं। अब हम इसको अच्छे से पहले मिक्स करते हैं, फिर बाद मसाले मिलाएंगे। मसाला मिलाएंगे 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर, 1 और 1 चम्मच लाल मिर्ची और 1 टीस्पून धनिया पाउडर। नमक अपने स्वाद अनुसार मिला सकते हैं, क्योंकि नमक का सबका अपना अपना टेस्ट होता है अलग, किसी को ज्यादा लगता है किसी को कम। अब हम इसको मसाले को पहले अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। मेरा फोरन तैयार हो गया है। मैंने फोरन पोरी के लिए फोरन रात को ही बना के रख दिया था, ताकि इसको क्योंकि ठंडा होने में उसको टाइम लगता है। तो अब मैं सिर्फ आलू का मसाला और कढ़ी पुलाव ही बनाना है मेरे को। ये हमारा, अब इसमें मैं एक और चीज ऐड करूंगी, 1/2 चम्मच गरम मसाला ऐड कर रही हूँ। इससे क्या आलू के पराठे का फ्लेवर बहुत ही मस्त आता है। देखिए हमें, देखिए कितने बढ़िया बन गया, हमारा कलर वलर कितना बढ़िया है। इसको ठंडा हो, ताकि हम कढ़ी और पुलाव बनाएंगे इसमें हमारा ये आलू का मसाला ठंडा हो जाएगा। तो हमारा आलू का मसाला, अगर आपको इसमें कस्तूरी मेथी मिलाना हो तो मिला सकते हो, थोड़े से धनिया की तरह, उससे टेस्ट अच्छा आता है। मैंने इसलिए नहीं मिला क्योंकि मेरे बेटे को पसंद नहीं है, उसको सिंपल मसाला पसंद है, तो मैंने सिंपल बनाया है। और आज नवमी है तो आज लहसुन प्याज नहीं खाते, तो बिल्कुल सिंपल सात्विक भोजन ही बनेगा आज में। ये मेरा आलू का मसाला रेडी कर दिया है मैंने, अभी ठंडा हो जाएगा तब पराठे बनाएंगे। और ये पोरन मैंने जो रात को बताया था आपको, वो बन गया है अच्छे से सेट हो गया है। तो अब हम पोरन पोरी बनाएंगे इसके साथ। तो चलो हम बनाते कढ़ी पुलाव। लिया है 1 कप, उसमें हम 2-3 चम्मच टेबल टी स्पून उसमें हम बेसन मिलाएंगे, इसमें मिला लेंगे। ये देखिए मैंने इसमें 1/2 कप पानी मिलाया है और 1 जैसा फेंटना है, इसमें बिल्कुल लम्स नहीं होने चाहिए वरना कढ़ी में अच्छी नहीं बनेगी आपकी। घी रखा है,
ये मैंने एक टेबल स्पून इसमें घी रखा है। और देखिए मैं मसाले इसमें रेडी कर रही हूँ, आधा 1/4 हल्दी और आधा 1/4 मिर्च। हो गया है घी गर्म होके, हम इसमें जीरा डालेंगे। जीरा थोड़ा ज़्यादा डालती हूँ मैं इसमें ताकि अच्छा फ्लेवर आता है। जीरे के बाद इसमें मैं डालूँगी थोड़े से मेथी दाने। मेथी दाने का भी टेस्ट बहुत अच्छा आता है, मतलब आधा चम्मच करीब मेथी दाना और एक चम्मच करीब, मतलब एक टीस्पून कर। उसके बाद मैं ये एक मिर्च ऐसी बड़ी बड़ी काटती हूँ ताकि बच्चों के मुँह में ना आए और फ्लेवर भी अच्छा आए अपना। इससे मिर्ची थोड़ी चटक जाए फिर हम इसमें ये दही का मिश्रण ऐड करेंगे। मिर्च हो गई है हमारी, अब इसमें हम ये आधा चम्मच हल्दी और आधा चम्मच लाल मिर्च, इसमें ज़्यादा मसाले नहीं पड़ते हैं क्योंकि सिंपल कड़ी बन रही है, इस तरीके से हम इसमें डाल देंगे। इसको कंटिन्यू हिलाते रहना है जब तक उखाली नहीं आए, वरना ये जो दही है ना फट जाता है। इस बात का जरूर ध्यान रखिए, इसको कंटिन्यू हिलाते रहना है, वरना अपना दही है ना फिर वो फटी फटी कड़ी लगती है, अच्छा टेस्ट नहीं आता है। इसको हम थोड़ा सा और ये पानी ऐड करेंगे, थोड़ा गाढ़ा गाढ़ा लग रहा है। जितना उखलेगी ये कड़ी उतना अच्छा कलर आएगा और उतना अच्छा टेस्ट भी आएगा। धीरे धीरे ये इसमें हमको मिलाना है और कम, मतलब मीडियम जो आँच है ना तेज आँच पे कभी भी नहीं उखालनी कड़ी, वरना फट जाएगी, इस बात का जरूर ध्यान रखें आप। ये हमारी कड़ी उखलने लग गई है तो अब हम इसमें एक चम्मच के करीब एक टीस्पून नमक डालेंगे। मतलब मैंने पहले ही बोला है कि नमक सब अपने टेस्ट के अनुसार डाल सकते हैं। देखिए कलर कितना बढ़िया आया है। ये कड़ी रेडी हो गई है मेरी, 10 मिनट से उखल रही है। अब मैं इसको भांडी में निकाल के फिर धनिया डालती हूँ। कड़ी रेडी हो गई है, अब मैं इसमें अच्छा फ्रेश धनिया काट के डाल रही हूँ। देखिए कितनी मस्त कड़ी लग रही है। ये हमारी कड़ी भी रेडी हो गई है, अब हम चलिए पुलाव की तैयारी करते हैं। एक टेबलस्पून ऑयल डाला है मैंने, अब उसमें मैं राई डाल रही हूँ थोड़ी सी, आधा चम्मच के करीब, और आधा चम्मच के करीब जीरा, हींग 1/4, सौंफ, और मैंने एक गाजर, एक कैप्सिकम और एक आलू के इस तरीके से छोटे छोटे पीस किए हैं उसको डाल दूंगा। और थोड़े से ये मटर के दाने, आधा चम्मच हल्दी पाउडर और 1/4 लाल मिर्च, आधा चम्मच के करीब हम ये गरम मसाला डालेंगे और थोड़ा सा 1/4 धनिया पाउडर, एक चम्मच के करीब नमक, अच्छे से मिला लेते हैं। ये सारी सब्जियों को मसाले में अच्छे से, इतनी बढ़िया खुशबू आ रही है कि मैं आपको बता नहीं सकती। ये अच्छे से मिक्स हो गए, अब इसमें हम चावल, मैंने एक कटोरी चावल लिया है, इसमें हम इतना ही
एक कटोरी में दो कटोरी पानी डालना है हमको। ये हमारा पुलाव रेडी है, इसको हमको सिर्फ दो सीटी लेनी है और हमारा पुलाव रेडी हो जाएगा। फास्टर पुलाव है, बिल्कुल फटाफट बन जाता है। अब हम पोरन पोरी बनाना स्टार्ट करते हैं। तो मैंने एक छोटा सा बॉल लिया है और आटा थोड़ा सॉफ्ट ही लगाना है अपने को। ये आटा हमको इसका सॉफ्ट ही रखना है, इसको हम थोड़ा सा बेल के फिर ये जो हमने पोरन बनाया है इस तरीके से, ये मसाला हम इसको इसके बीच में ऐड करेंगे। थोड़ा सा आटा लगा के इसको हमें हल्के आटों से बेलना है। इसे बेला का ये मसाला भी पूरा भरपूर है इसमें पोरन का। आलू का पराठा बता रही हूँ आपको, वैसे दोनों का बनने का स्टेप सेम है पर मैं आपको फिर भी बता देती हूँ एक पराठा बना के। इसको हमें बीच में मसाले को रखना है इस तरीके से और इसको हम उसी तरीके से जिसे पोरन को पैक किया है वैसे इसको भी हम अच्छे से पैक कर देंगे। इस तरीके से दबा देना और राउंड राउंड शेप में बेल देना है जैसे फोरन को। बिल्कुल आपको हल्के हाथों से ही बेलना है, ये याद रखना, वरना मसाला बाहर निकल सकता है। ये देखिए फोरन हो गया है, फोरन पूरी। अब इसको हम घी में लगा के सेकते हैं इस तरीके से चारों तरफ घी, क्योंकि पोरन पोरी में घी बहुत अच्छा लगता है। घी मतलब ज़्यादा ही लगता है, कम घी क्योंकि पोरन पोरी अच्छी नहीं लगती है। इस तरीके से पलटा दिया, बिल्कुल इस तरीके से। अब इसको हम कुरकुरी कुरकुरी अच्छी थोड़ी कड़क होने देते हैं। देखिए कितनी क्रिस्पी बनी है पोरन पूरी। ये हमारा पोरन पूरी दे रहे हो, ये पोरन पूरी हो गई। और इसको हम ऊपर से देखिए इस तरीके से हम इसको घी में ऊपर से और घी लगाएंगे ताकि ये बहुत इसको ऐसे कर करके हम अच्छे से घी लगाएंगे तभी पोरन पूरी मस्त लगेगी। तो ये हमारी पोरन पूरी रेडी हो गई है। अब हम आलू का पराठा बनाते हैं। ये हम आलू का पराठा बना रहे हैं, ऑयल लगा रहे हैं। अब इसको हम पलटाते हैं। ये हमारा देखिए आलू का पराठा भी कितना मस्त बना है, मसाला देखिए कितना भरा हुआ है, उसकी सिखाई कितनी अच्छी हुई है। इस तरीके से किए, अब हमारा पूरा भोजन तैयार हो गया है। देखिए हमारा नवरात्रि का लंच पूरा रेडी हो गया है। तो देखिए आलू का पराठा, पोरन पूरी, पुलाव और कढ़ी। आज हमारे चैत्र नवरात्रि के गुड़ी पड़वा के दिन यही बनता है। और तो मेरा लंच रेडी हो गया है और चैत्र नवरात्रि पे हम यही बनाते हैं। और आपको कैसा लगा मेरा व्लॉग
और मैंने आपको रेसिपी भी बताई है पूरन पूरी आलू का पराठा, मतलब पूरा जो भी लंच बनाया है उसकी रेसिपी भी मैंने ऐड करी है। और अगर आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगा है तो आप उसको लाइक शेयर और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना कि आपको मेरा ब्लॉग कैसा लगा है। तो अब मिलेंगे हम नेक्स्ट ब्लॉग में, और वापिस से हैप्पी गुड़ी पड़वा और खुश रहिए। जय श्री कृष्णा, बाय।